तो नमस्कार सर, वेगनार्स क्लास की नई वीडियो में आप लोग स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज 2 फरवरी है, 2 फरवरी के आपका जो है बिहार बोर्ड के द्वारा आपका इंटरमीडिएट परीक्षा में आपका पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट जो आपका एग्जाम है वो लिया गया है। तो उसी का हम आपका देख सकते हैं कि जो सेट है वो सेट ए है आपका, किसी प्रकार से हो सकता है, ए बी सी डी किसी भी हो सकता है। तो इसका आंसर हम सही देने वाले आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। तो वीडियो के अंत जरूर देखें, इसमें पूरा हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपका 50 बनाना था आपने कितना आंसर सही हुआ, आंसर की आप पूरा बेहतरीन ढंग से आप मिला सकते हैं इस चैनल पर। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। देर नहीं करते हैं तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न इसमें आपका क्या पूछा है। तो पहला प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया था इसमें आज की, कहा इसमें कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। तो देखिए कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है इसमें, कहता है कि भारत जो है इस भारत राज्यों का संघ है तो अनुच्छेद एक हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद देते हैं दूसरा प्रश्न कहता है भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। तो भारतीय न्यायपालिका जो है इसे किसके अंतर्गत काम करता है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका भी सही आंसर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा यह क्या करती है, काम करती है। 2 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न पूछा इसमें कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का कानून बना सकता है। तो समवर्ती सूची में है जो आपका, कि दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, इसका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी उसका। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है भारतीय संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो संवैधानिक दर्जा कब दिया जाएगा, तो ऐसे इसमें आएगा 1993-94 आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 74वां संविधान संशोधन। कौन होगा, 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 5 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी संख्या आवश्यक है। तो कम से कम 5 लाख से अधिक होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है, सही आंसर मिल रहा है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी अच्छे से अच्छे आपका जो है इसे आंसर की मिला सके। 6 नंबर प्रश्न कहता है भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 52 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न के क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि भारतीय विदेश नीति के आधारित है। तो भारतीय विदेश नीति जो है सो किस पर आधारित है, गुटनिरपेक्षता पर है। किस पर गुटनिरपेक्षता पर है, क्योंकि भारत जो है इसे गुटनिरपेक्षता का समर्थन किया था। अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए, कहता है कि 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था वो नए देश का किस में जन्म हुआ, तो बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप लोग बताइएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन ए का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न इसमें कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहां है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय जो होगा बाबू वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहां पड़ता है, तो अमेरिका में पड़ता है, बेहतरीन ढंग से हम इसको पढ़ाए थे आपका क्लास में। अगला प्रश्न देते हैं 11 नंबर प्रश्न कहते हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य देश हैं। तो वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या आपका 193 है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना साल का होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है, कितना, 5 साल का। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है वो एंटोनिया गुटेरा से जो पुर्तगाल का रहने वाले हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कहता संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य कौन बना था। तो ये नया सदस्य देश बना था दक्षिणी सूडान बना था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, जरूर इसको मिलाइए। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था सब विश्व को शांति करना और सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहा था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिस समय इसका स्थापना हुआ था उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो रूजवेल्ट थे, कौन थे, रूजवेल्ट। 15 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें बाबू 15 नंबर प्रश्न पूछा आपका बिहार बोर्ड द्वारा कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या है आपका 10, जिसका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, कितना, 2 वर्ष का, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि गुटनिरपेक्ष देशों का समूह का संगठन क्या है। तो साम्यवादी देश जो थे इसमें जो गुटनिरपेक्षता का समावादी थे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रासंगिक निहित है। तो गुटनिरपेक्ष का प्रासंगिक निहित है, तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा क्या पूछा गया था आज। तो आज पूछा गया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देश का सार्क का अंतिम सदस्य देश बना। तो सबसे अंतिम सदस्य देश बना था आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी आपका कहाँ है, तो काबुल है। 8वां देश बना था अफगानिस्तान, इसमें टोटल जो है
आपको 8 देश है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। पहला सम्मेलन ढाका में किया गया और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। 19 नंबर प्रश्न देखिए कहता है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो किया था वो बेलग्रेड में किया गया था। और ये कब किया गया गुटनिरपेक्ष, तो 1961 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन इसका सी इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए कहता है दक्षेस का महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष का होता है। कितना? 3 वर्ष का होता है दक्षेस का महासचिव का कार्यकाल। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में किया था। इसका मुख्यालय जो है वो आपका काठमांडू है, क्योंकि दक्षेस को सार्क भी बोला जाता है। 20 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया। 21 नंबर प्रश्न देखिए कहता है इसमें दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था, तो दक्षेस की जो है उसकी किया था तो जनरल जियाउल हक ने किया था। जनरल जियाउल हक ने किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। ये व्यक्ति जो है इसे रहने वाले थे कहाँ के, तो ये व्यक्ति रहने वाले थे आपका बांग्लादेश के। कहाँ के रहने वाले थे? बांग्लादेश के। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस कहा जाता है। किसको? सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग है और 6 अंग में से भी आपका एक क्या है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के अंग है, जो है आपका अस्थाई और अस्थाई अंग है, ठीक है। अस्थाई में आपका 10 देश है और अस्थाई देश में आपका 5 देश है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन आपका काठमांडू में हुआ था। कहाँ? काठमांडू। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है 24 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है दक्षेस का नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका म्यांमार। म्यांमार जो है दक्षेस का शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी जो है सार्क में सभी देश है, इसमें भारत भी आएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न। बाबू 25 नंबर प्रश्न पूछा है माय डियर स्टूडेंट, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आगे भी आपका जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको इस पर देने का कोशिश करेंगे। 25 नंबर प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है, तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन जो करेगा वो इसमें शामिल नहीं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि सच्ची गुटनिरपेक्ष, सच्ची गुटनिरपेक्ष जो है वह है आपका इसमें कह रहा है कि सच्ची गुटनिरपेक्ष की विदेश नीति का समर्थन किसने किया था, तो सच्ची गुटनिरपेक्ष जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर। हालांकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भी देता है, इंदिरा गांधी देता है, क्योंकि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन भारत का नेतृत्व जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। 27 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि भारत, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान के किस भाग में किया गया है, तो किस भाग में किया गया, तो भाग जो आ जाएगा तो यह आ जाएगा भाग फोर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? भाग फोर। भाग फोर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। हालांकि प्रस्तावना में इसका संविधान किया गया, जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था वह संविधान सभा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न कहता है इसमें संविधान सभा की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो संविधान सभा की 11वीं अनुसूची में जो है आपका 29 विषय हैं। कितना? 29 विषय किया गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो इसमें कौन सा जोड़ा गया था, तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा संप्रभुत्व संपन्न हो जाएगा। कौन? संप्रभुत्व संपन्न। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है संविधान के पवित्र दस्तावेज किसने कहा, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसने कहा, तो के एम मुंशी ने कहा था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर कहता है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, तो जनता है। क्या है? जनता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर कहता है माय डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को विशेषता नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो है इसे विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट की अध्यात्मक सरकार जो है वो नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। 33 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्म निरपेक्ष शब्द का सही भाव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि भारत में धार्मिक विविधता, भारत में राज्य को कोई धर्म नहीं, भारत में सभी धर्मों के प्रति समान और समान भाव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है, तो संघात्मक व्यवस्था जो हो जाएगा से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का, कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनाडा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से लिया गया है, तो न्यायिक जो है इसे किस देश से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न कि अमेरिका से लिया है। कहां से? अमेरिका। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज, अगला प्रश्न, पंचायती राज निम्नलिखित में से किस सूची में आता है, तो पंचायती राज जो है इसे किस सूची में आएगा, तो संघ राज सूची में आएगा। कौन सूची में? राज सूची। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर प्रश्न कहता है कि किस सूची अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधित किया गया, तो 10वीं अनुसूची
सूची में, कौन सा दसवीं सूची में दल बदल, याद रखना है कि दस से दसवीं और दस से दल बदल हो गया, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, तो कौन सा विषय जो समवर्ती सूची में शामिल, तो शिक्षा जो हो जाएगा समवर्ती सूची में नहीं शामिल है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि सही सही आंसर की उसको मिला सके। 39 नंबर प्रश्न कहता है किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया, तो 311 अनुच्छेद 311 ऑप्शन बी इसका कई सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 40 नंबर की मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार जो हो जाएगा, ये मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार जो हो जाएगा से आवाद योग्य हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। हालांकि क्वेश्चन जो है इसे किताब से बहुत गहराई से पूछा गया है। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार 1978 ईस्वी में दिया गया था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया, तो भारत जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत नहीं स्वीकार किया, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर। 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कहता है इसमें बाबू कि मौलिक अधिकार संबंधित है, तो मौलिक अधिकार जो संबंधित है यह आपका अनुच्छेद 12 से 35 है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 भाग पूछेगा, तो हो जाएगा भाग 3 में हो जाएगा, क्लियर। 44 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो मौलिक अधिकार का जो संरक्षक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय हो जाएगा, कौन हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय लिखना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है आपका सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कहता है नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो उद्देश्य है वो कहता है इसमें कि राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक स्थापित करना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक लोकतांत्रिक स्थापित करना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर प्रश्न कहता है राज्य के निर्देशक सिद्धांत तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो इसका उल्लेख किया गया है 36 से लेकर 51 तक भाग 4 हो जाएगा, अनुच्छेद भाग संविधान के भाग 4 में किया गया, क्योंकि भाग आपको पता है कि अभी वर्तमान में 25 है, पहले आपका 22 था। 47 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्यों को किया गया उल्लेख, तो 11 मौलिक कर्तव्य, कितना मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है, 11 है। कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था मौलिक कर्तव्य। 48 नंबर प्रश्न कहता है माय डियर स्टूडेंट कि कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति हुआ पदोचित संबंधित है, तो 74 अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद 74 जो हो जाएगा से ऑप्शन बी सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कहता है इसमें कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बने थे, जो भारतीय संविधान के जन्मदाता निर्माता कहा जाता है, पिता कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। हाली जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो जल्दी से वायरल करना है। 50 नंबर प्रश्न कहता है भारत का प्रधानमंत्री प्रस्तावित होता है, तो केंद्र का प्रस्तावित होता है, कहां का, केंद्र का। हालांकि इसका कई प्रकार से क्वेश्चन देता है बिहार बोर्ड, कहता है भारत का प्रधानमंत्री प्रस्तावित होता है कहाँ का, तो केंद्र का होता है। वास्तविक व्यक्ति कहाँ का होता है, तो केंद्र का होता है। और केंद्र का वास्तविक जो होता है संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। और राज्य का वास्तविक संवैधानिक प्रधान कौन होगा, तो मुख्य राज्यपाल हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर प्रश्न कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में किया था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय जो है आपका इलाहाबाद है, और सबसे छोटा जो हो जाएगा आपका सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी, तो जनहित याचिका का जो शुरुआत है वह किसके द्वारा किया गया था, तो 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो न्यायिक पहल द्वारा किया गया था, न्यायिक पहल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। 53 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या है, तो भारत में विधानमंडल जो हो जाएगा उच्च सदन वह विधान परिषद होगा, उच्च सदन, और निम्न सदन बोलेंगे विधानसभा को, उच्च सदन बोलेंगे इसमें विधान परिषद को, और उच्च सदन बोलेंगे आपका विधान परिषद को, और निम्न सदन बोलेंगे आपका विधानसभा को, और केंद्र में जाएंगे तो लोकसभा जो हो जाएगा से निम्न सदन, और राज्यसभा जो हो जाएगा से उच्च सदन हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे, तो 86वां संविधान जो है आपका बाबू इसमें है आपका शिक्षा का अधिकार से, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा 54 नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 55 नंबर प्रश्न कहता है अनुच्छेद 55 का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, तो ऐसे इसका गूगल करके देख लीजिएगा, 1977 है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आपको इसको चेक करके बताना है आप लोग को। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन है, तो भारतीय संसद का जो निम्न सदन है वो आपका लोकसभा है, और राज्यसभा जो होगा से वो सदन होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा जो आपका निम्न सदन के अंतर्गत है। पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो पंचशील सिद्धांत के हो जाएगा प्रतिपादक ये हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। पंचशील समझौता का प्रतिपादक कौन हो जाएगा, सॉरी पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ताशकंद समझौता हुआ 1966 ईस्वी में, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है
है इसमें कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितना है, तो अस्थायी सदस्य है आपका 10 और अस्थायी सदस्य आपका है कितना, तो 5 है। टोटल सदस्यों की संख्या इसमें 15 है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है, तो निम्नलिखित में से कौन जो क्षेत्रवाद का ऊपर है, तो भाषाई आंदोलन, नस्लीय आंदोलन, क्षेत्रीय पहचान आधारित। तो क्षेत्रवाद में हर तरह के बोलचाल अलग है, नस्लवाद है, क्षेत्रवाद, इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल जो राज्यों की संख्या वो है आपका 28 है। कितना है, 28 राज्य है, हालांकि 29 राज्य था लेकिन ये जो आपका जम्मू कश्मीर है उसको केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया भारत के गृह मंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न 71 नंबर कहता है इसमें कि अनुच्छेद 15 के अनुसार 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति का करने का अधिकार किसके पास है, तो नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। किसके कहने पर, तो प्रधानमंत्री कहने पर वो नियुक्त करेगा, तो अनुच्छेद इसका 75 जो हो जाएगा से ऑप्शन सी ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। आप लोग मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 63वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, तो विधान परिषद बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, इनमें से सभी में जो है सबका विधान परिषद है। टोटल आपका 7 राज्य ही भारत का वैसा है जहां पर विधान परिषद की प्रावधान किया गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। 64वां प्रश्न कहता है कि बिहार में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बिहार में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या आपका 243 है, लोकसभा के 40 है, राज्यसभा के 16। याद रखना है आप लोगों को, याद रखना क्या है, तो आप लोग परीक्षा दे देंगे लेकिन इसका मिला दीजिएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर कहता है भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ, तो 2005 ईस्वी में हुआ था। कब, 2005 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कहता है 66 नंबर कि बिहार में पंचायती नियामकों के महिलाओं को 50% आरक्षण जो दिया गया वो किस वर्ष दिया गया, तो 2006 ईस्वी में दिया गया था। ये क्लास 10th में ही आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 67वां प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया था। 2 अक्टूबर किसका जन्म हुआ था, तो भारत के महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1877 को ईस्वी को। 68वां प्रश्न कहता है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, इसका आंसर दक्षिण अफ्रीका, हालांकि देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिए 73वां प्रश्न कहता है वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, तो 25 उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है बाबू, तो 25 उच्च न्यायालय है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर। 74वां प्रश्न कहता है साप्टा की स्थापना कब, तो साप्टा की स्थापना 2006 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर कहता है कि भारत किस तरह का गणतंत्र है, तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, संप्रभु है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, दोस्तों में जमकर शेयर करें, सही सही आंसर उसको मिलाने में आप मदद कर सकते हैं। 76वां प्रश्न अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, तो किसका है, इसका तो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र संघ का हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको बोलते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मुख्यालय है जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है बाबू। अगला प्रश्न देखिए 77वां प्रश्न कहता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 77वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो 77वां प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है क्वेश्चन का आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए कहता है इसमें कि जनहित याचिका कहां दायर की जाती है, तो जनहित याचिका जो हो जाएगा जिला न्यायालय में, कहां, जिला न्यायालय में, ऑप्शन ए सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है 79 नंबर कि सूचना का अधिकार का कानून किस प्रकार का कानून है, तो सूचना का अधिकार जो है इसे आपका मौलिक का अधिकार हो जाएगा। कौन सा, मौलिक अधिकार, हालांकि कहीं संविधानिक अधिकार देता है तो उसको देखना है, तो इसका मौलिक अधिकार ही होना चाहिए। 80वां प्रश्न देखिए माय डियर स्टूडेंट कहता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है बाबू वो पेरिस में है। कहाँ, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81वां प्रश्न कहता है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है, तो किस अनुसूची में शामिल है बाबू, तो 8/6 सूची, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82वां प्रश्न कहता है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 जो है सो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट एकदम सही और करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है, तो हालांकि इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, थोड़ा कंफ्यूजन है इसका, हम भी आपका जांच करके बताएंगे। अगला प्रश्न देते हैं 84वां प्रश्न कहता है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो अध्यक्षात्मक का किस देश में हुआ, तो अध्यक्षात्मक का जो हुआ था ये अमेरिका देता है इसका आंसर, लेकिन इसको भी देख लेंगे बाद में हम लोग। अगला प्रश्न 85वां प्रश्न कहता है कि ईस्ट
एक ईस्ट नीति का किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, तो ये किया गया था इस तो नरसिंह राव के द्वारा किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ये रटाया हुआ क्वेश्चन है, एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह राव के द्वारा। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ, तो 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, कई 2019 में 17वीं, और जो अभी होगा 2024 में वो 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आम आदमी पार्टी जिसको आप बोलते हैं उसकी राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा कब दिया गया, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसको कब दिया गया था इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि 2013 ईस्वी में इसका क्या किया गया था, तो स्थापना किया गया था 2013 ईस्वी में यह पार्टी बना था, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, बहुत आसान और सरल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली की पार्टी अरविंद केजरीवाल इसको दिल्ली में अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। 88वां प्रश्न करता है, वर्तमान में भारत के कितने राष्ट्रीय दल है, तो 8 एकदम गिन लीजिए उंगली पर कि 8 राष्ट्रीय दल है, भारत के राष्ट्रीय दल कितने के हैं, तो 8 हो गया है आपका, 88 नंबर क्लियर हो गया। 89वां प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी किया था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसका रद्द कब किया गया था योजना आयोग के, तो 2014 में किया गया था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताश्कंद समझौता किस देश के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था, तो ताश्कंद समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था, ताश्कंद समझौता तो हुआ था बाबू, ये आपका हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच ताश्कंद समझौता हुआ था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होता। 1966 ईस्वी में ताश्कंद समझौता, भारत के प्रधानमंत्री उस समय जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री की ताश्कंद में ही 1966 ईस्वी में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 91वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा था, चौधरी चरण सिंह, एकदम हाथ पर लिख लीजिए, चौधरी चरण सिंह जो था आपका, चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल क्या था आपका, सबसे छोटा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, अगला प्रश्न कहता है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन जो प्रधानमंत्री बने थे भारत का, वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी BRBI का गवर्नर रह चुके, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे आपका RBI के गवर्नर बने थे, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। 93वां प्रश्न कहता है, नोटा का जो उपयोग है सबसे पहले कब हुआ, तो 2013 ईस्वी में नोटा किया है, तो जैसे मान चलिए कि वोट देना है तो हर एक पार्टी होता है, अब मान चलिए किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना है, तो नोटा पर दे दीजिए, इसको हम लोटा बोलते थे, ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94वां प्रश्न कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य स्रोत क्या है, तो हालांकि मुख्य जो है सीमा विवाद, लेकिन इसमें दिया गया है जैल आतंकवाद और इसवा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हालांकि मुख्य विवाद जो हो जाएगा सीमा विवाद है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, 95वां प्रश्न कहता है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष भारत में कारगिल दिवस मनाया है। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पूरी तरह से पाकिस्तान को हरा दिया था भारत, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 96वां प्रश्न कहता है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट विक्टो का प्रयोग किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट विक्टो का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है 98वां प्रश्न, 97वां, नस्लवाद का शुरुआत कहां से हुआ, तो नस्लवाद का शुरुआत आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से हुआ था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधा है, तो क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषा की विविधता, हालांकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 99वां प्रश्न पूछा, इसमें संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जो आपका है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। 100वां प्रश्न, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम बने थे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर। तो ये था आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिल्कुल सही सही आंसर देने का हम कोशिश किए थे, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि सभी का सही आंसर मिल जाए। माय डियर स्टूडेंट, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, कल ज्योग्राफी होगा, ज्योग्राफी के लिए इस चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, आप वो सारे वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको एक भी दिक्कत नहीं होगा, और कल ये गारंटी लेते हैं कि उसमें जरूर आपका टकरेगा, और कल हम इसी समय भी आपका जो है इस आंसर की ज्योग्राफी का भी देंगे जो 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए हमें दीजिए ज्यादातर के जय हिंद जय भारत, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।